जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई को रामगढ़ ताल में बाढ़ से बचाव पर होने वाले मॉक ड्रिल के पूर्व सोमवार को हेलीकॉप्टर से रिहर्सल किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप रहता है। हमेशा कोई न कोई आशंका रहती है कि यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको एनडीआरएफ व हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैसे बचाया जाए, उसका मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा 7 जुलाई को फुल मॉक ड्रिल होगा, उस दिन रियल में किसी व्यक्ति को डूबते हुए दिखाया जाएगा और डूबते हुए बचाया जाएगा। इस अवसर पर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित एयरफोर्स के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जैकेट लगा लो, सभी जैकेट लगा लो।
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और ज़िले में जो आपदा है उसका प्रभारी हूं, आपदा विभाग का प्रभारी हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जनपद में लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप रहता है और उसमें कहीं ना कहीं इस बात की आशंका रहती है कि कहीं बाढ़ में कोई विपरीत परिस्थिति हो गई जिसमें किसी को बचाने की बात हुई। तो हम लोगों ने आज ये अपना एक मॉक ड्रिल की तैयारी की है। आगामी 7 जुलाई को फुल मॉक ड्रिल होगा, वास्तव में किसी को डूबते हुए दिखाया जाएगा, डूबते हुए फिर उसको बचाया जाएगा, उसी की आज तैयारी की गई, जिसमें एयरफोर्स, एनडीआरएफ और हमारा डीडीएमए और हमारे अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।